एक ऐसा नाम जिसको हम नहीं जानते थे, एक ऐसा काम जिसका करना सोचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने उसकी क्लासेस ली थी, मेरी उंगलियां जख्मी हो गई थी, बहुत मुश्किल काम है ये, मैंने लिया था, मेरे पास में भी वायलिन रखा हुआ है। लेकिन सुना है कि जनाब ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इन्होंने पूरी दुनिया में जनाब तहलका मचा। अच्छा, मैंने ये एक वीडियो देखी जिसमें मैं देख रहा था, आई थिंक स्कूल था जहां पर परफॉर्म कर रही थी, वो लिटिल स्टार जो थी उनके वायलिन की जो एक टैलेंट था, मैं वो टैलेंट देख के बड़ा हैरान हुआ कि हमारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स में इतने एक्सपर्ट होते जा रहे हैं माशाल्लाह। मुझे याद है शादी में क्या कौमी तराना उस पे उसकी धुन सुनाई, खूबसूरत, क्या बात, क्या बात है। और सीरियसली जो माशाल्लाह ये जो छुटकू सा हमारा बच्चा है ये बहुत ही क्यूट है, और जिसने आजादी पर उनकी वीडियो शदीद जो है वो वायरल हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए बड़े अच्छे मामलात फरमाए। कराची की ज़ैनब शहरयार हमारे साथ सुबह पाकिस्तान में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी क्यूट हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से आप? जी बिल्कुल। अच्छा, वो वीडियो हमने आपकी देखी, बहुत ही कोई प्यारी वीडियो। किसने बनाई थी, बताओ, नाम बताओ। हाँ, बताएं ये वीडियो आपने जो तो बनाई किसने, ये भी जरूर बताना। लेकिन ये स्कूल था जहाँ परफॉर्म करी थी, क्या हुआ था? जी ये मेरा स्कूल था जहाँ परफॉर्म करी थी 14 अगस्त के लिए, तो और ये वीडियो में टीचर ने बनाई थी। टीचर ने बनाई थी, टीचर एक अच्छी सोशल मीडिया डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकती हैं, उनके अंदर भरपूर टैलेंट है। आप अपने बारे में सोचे, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। देखो कंटेंट क्रिएटर अगर नहीं करता वो कैद, वो जो एक मोमेंट था तो हम नहीं देख पाते। तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको और आपके टीचर को भी और आपके अम्मा अब्बा को भी। तो हम पहले सुनते हैं आपसे, आप क्या सुना रही हैं आप हमें? मैं आपको नेशनल एंथम सुना। नेशनल एंथम की जनू अदब से खड़ा होना पड़ेगा हमें, आप तो बजाएंगी लेकिन हम खड़े नहीं हो सकते। चलो ठीक है, चलिए आप दिल पे हाथ रखें। हाँ चल। वायलिन आपने कब सीखना शुरू किया और आपकी एज कितनी है अभी, कब से सीख रही हैं आप ये वायलिन? मैं ये 3 साल से सीख रही हूँ और अभी मैं 10 साल की हूँ। मतलब 7 साल की उम्र से आप सीख रही हैं और अभी 3 साल हो गए आपको मुकम्मल सीखते हुए। आपने कहा कि मैं बचपन से सीख रही हूँ। मतलब मैं कहती कॉर्ड से तुमने शुरू भी कर दिया। सो बेसिकली किस तरह इसको आगे लेके जाने का प्लान है गुड़िया आपका, या मतलब अभी इसको आप कहते हो कि मैं स्कूल तक ही अपना शौक रखूंगी, ये बताओ जरा। नहीं नहीं, इसको आगे ले जाने का बिल्कुल प्लान है और आगे जाके बड़े होकर भी बताऊंगी। आपको पता है ना कि वायलिनिस्ट का जो फ्यूचर है वो बाहर ज्यादा, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है एंड दे मेक गुड मनी ऑल्सो, पता है ना आपको? और बड़ी मतलब उनकी बड़ी बड़ी उनके फैन फॉलोइंग होती है, पूरा पूरा ओपरा बैठता है उनके लिए। तो मतलब देख रहे हैं हम आगे जाके ज़ैनब बैठी होगी और बड़ा सा एक ओपरा होगा और वहां पर जो है ना ज़ैनब बैठ के चेयर पे, हम अभी से ना ज़ैनब को कमर्शियली तैयार कर रहे हैं कि आपने आगे जाके फिल्म तैयार कर रहे हैं। सीरियसली कितना प्यारा लगेगा हमारी, जो हम एक दिन कहेंगे शादी में आते हैं तो हमारी ज़ैनब है भाई, क्या बात है। ज़ैनब इसके अलावा कौन कौन सी धुनें हैं जो आप इस पे खास प्ले करती हैं या आपकी फेवरेट है जो आप हमें सुनाना चाहती हैं आज?
इस पर मतलब कौमी तराना तो हम सबने सुना है, कोई और ऐसी धुन है जो आपकी फेवरेट है, आपको पसंद है या कोई आप सुनाना चाहें हमें? हाँ, मेरे पेट्रियोटिक सॉन्ग ज्यादा बजाती हूँ। हाँ, कोई भी तो पेट्रियोटिक ही, हमने तो पेट्रियोटिक ही बोला, नहीं कसम जो कुछ और बोला। अच्छा, तो मैं आप बता दें मैं क्या बजाऊं? जो भी आपके दिल आप, जो आप हमें सुनाना चाहते, जो दिल में आया हम तो सुन लेते हैं, जो आप हमें सुनाएंगे। अच्छा, ये तो आधा दर सुनने की। फिर मैं आपको ये बटन तुम्हारे सुना दूंगी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो फैन हो गए यार आपके जनाब। अब सर तुम अब ये बताओ कि ये तो बहुत अच्छा तुम्हारा नजर आया कि भाई बड़ा टैलेंट है, अब बताओ पढ़ाई में कैसी है जैनब, और पढ़ाई के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकालती है? मैं हूँ 5 ग्रेड में और मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ और स्कूल की पढ़ाई साथ साथ चलती रहती है। तो मतलब स्टूडेंट कैसी हो? स्टूडेंट अच्छी हो, नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं। भाई स्टूडेंट अच्छी होना हो, जब वायलिन में इतनी अच्छी तो हमें और क्या करना है, और क्या चाहिए जिंदगी? ठीक है, अच्छा करो लाइफ में। अच्छा वैसे मुझे बताओ, आप स्कूल में नॉर्मली अपना वायलिन प्ले करती रहती हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या स्कूल में कैरी करती हो, ले जाती हो, या ये बस इस परफॉर्मेंस के लिए लेके गई थी? इस परफॉर्मेंस के लिए लेके गई थी और बस अब उन्होंने कहा हम बुलाएंगे और स्कूल में भी यानी कि फैन हो गए। अच्छा, जब तुमने फर्स्ट टाइम अभी बजाया है ना, तुमने स्कूल में फर्स्ट टाइम बजाया ना सैनब, तो कौन लोग यूं थे, कितने लोग यूं थे? सब लोग ही थे, स्टेज से उतरते ही बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा बजाया, सब पीछे लग गए थे कि कहाँ से सीखा कहाँ से सीखा। अच्छा, आप तो फैंस बहुत बढ़ते जा रहे होंगे भाई जैनब के, माशाल्लाह। कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो मतलब उस दिन से पहले ना मतलब उनको लगता होगा कि जैनब के अंदर कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, ऐसे भी लोग होंगे ना, ये ना बड़ा मजा आता है जब ऐसे लोग आते हैं ना, अच्छा इसके अंदर अच्छा टैलेंट है, कितना मजा आता है देखने के। अच्छा जैनब, आप बहुत सारे सिंगर्स को भी सुनती होगी यकीनी तौर पर, बहुत सारे म्यूजिशियंस को सुनती होगी, देखती होगी, आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या करने जा रही हैं? ये तो हो गया कौमी तराना जो हमने सुन लिया 14 अगस्त को, खासतौर पर 2022 में, लेकिन 2025 में जैनब कहाँ होंगी, 2030 में जैनब कहाँ होंगी, और क्या करने जा रही है, क्या प्लान्स है, अब तक क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो पहले तो मैं डॉक्टर बनूंगी, इसको कंटिन्यू रखूंगी, पहले डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर के साथ ही इसको चला, तो वायलिन से मैं इलाज करूंगी बुखार का। और अच्छा, आपको जुकाम है, एक सेकंड मैं एक धुन बजाती हूँ, अगले बंदे का कितना चलेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में खड़े होकर एक वायलिन प्ले करेगा और पेशेंट ठीक, एक बंदा कहेगा एक मिनट धुन नंबर 4 जैनब खोलेगी अपनी धुन नंबर 4 हो जाएगी और उसका बुखार से हो जाएगा, साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे ना पेशेंट्स को, एक उनकी सूद फीलिंग आएगी। वाह वाह वाह, क्योंकि मौसीकी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाज होता है, तो ये इतना जबरदस्त कॉम्बो है मेरे जो मेरे ऑब्वियसली हैं, तो अब ये बात वायरल हो चुकी है, आपको पता है ना भर हैं, तो कौन कहता है कि जरा मतलब हमें भी जरा सा थोड़ा सा सिखा दो, ऐसा कोई कहता है? हम भी आपकी तरह मशहूर, आधे से ज्यादा लोग तो यही, आधे से ज्यादा लोग मतलब आधे आधे से मतलब घुटने तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मतलब कैसे आधे से ज्यादा लोग, कैसे कहां, मतलब कराची में पूरी दुनिया में? हाँ, मेरे पास मैसेज नंबर से मैसेज आ रहे हैं, आप सिखा दे, आपने कहा वैल्यू फ्रेंडशिप विद मी वाले तो नहीं आ रहे?
अभी तक ऐसे अभी तो ऐसे कोई नहीं आया हाँ, लेकिन बस ऐसी हाँ बस इधर उधर से। तुम्हारा है कोई इंस्टा फेसबुक पे पेज है तुम्हारा है तो बता दो हमें। हाँ हाँ क्या है बताओ ना जरा उस फेसबुक पे फेसबुक पे भी है इंस्टा इंस्टा पे भी है फेसबुक पे जैनब रहीम तुला आई गेस जैनब क्या जैनब रहीम तुला आई गेस अच्छा और आई गेस भी नाम है नहीं नहीं अच्छा आई गेस अच्छा मेंशन कर देंगे हम कोशिश करेंगे कि हम जब पोस्ट करें इसको वीडियो तो उसे मेंशन कर देंगे इनका आईडी है ना नहीं इनका जो आईडी है अच्छा मुझे थोड़ा सा ये ज़ैनब इसके साथ मुझे ये भी बताओ कि जाहिर है आपके वैसे आप बहन भाई कितने मेरा एक छोटा भाई है बस छोटे भाई आप छोटे भाई हैं तो उनको भी कुछ शौक है आपके साथ वायलिन का क्या वो कहते नहीं बस बहन करिए ठीक है मैं कुछ और करूंगा यही कहते हैं उनकी क्या एज है अभी वो अभी 8 साल का अभी 8 साल के हैं अच्छा अच्छा आपको 2 साल का डिफरेंस है अच्छा ज़ैनब शरारती हो या सब लग रही है क्या पकड़ा है भाई वाह क्या पकड़ा है इसे कहते हैं पकड़ना लाइव शो में अब बता दे शरारतें क्या होती हैं ज़ैनब की शरारतें भी होती हैं कभी कभी क्या क्या बताऊं स्प्रे होता है ना पानी का हाँ। तो मेरी दादी घर पे कल लेटी हुई थी और मुझे ऐसे खेलने का शौक आया था वो सोफे पे लेटी हुई थी मैं पीछे से स्प्रे मार के भाग के चली गई दादी को अल्लाह ये दादी को इसके साथ दादी के साथ ये करती है ये लड़की अल्लाह फिर दादी ने क्या किया चप्पल उठा के फ्लाई ओवर फिर मारा दादी दादी बारिश हो रही है अंदर शायद नहीं दादी पूछे दादी से कौन है कौन है उसके बाद मैंने आके बाद में बताया कि मैं कर रही थी हाँ फिर डांट पड़ी थी दादी थी ना वो दादी दादा से बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है गया थी ये तो बताओ जरा डांट खा गई तुम असल चीज तो पी गई डांट ये पड़ी थी कि ये कहते हैं बार बार पढ़ना फेंको मोबाइल खराब हो जाएगा मोबाइल खराब हो जाएगा ये बेटा मोबाइल का कितना शौक है मोबाइल में ज्यादा रहती हो या पढ़ाई और म्यूजिक में ज्यादा रहती हो दोनों चीजें इक्वल है और मोबाइल का शौक है हाँ मोबाइल पे क्या वीडियो शूट्स बनाती हूँ अपनी इंस्टा का तो बताया नहीं अपनी आईडी अपा अब तुमने इंस्टा की आईडी पता नहीं मुझे आया पता नहीं है मैं तुम्हें कुछ पता भी है हम दादी को पानी फेंकने के अलावा अच्छा मुझे ये बताओ ज़ैनब ये इसकी मैं ऐसे में देख रहा था आपकी छोटी छोटी उंगलियां माशाल्लाह आप इसमें बड़ी एक्सपर्ट हैं ये पूरा वायलिन प्ले करने में लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है इसमें तो ये आपकी सारी जो फिंगर्स हैं बड़ी हार्ड हो जाती है ना प्ले कर करके जो आपने प्रैक्टिस करना शुरू की कितना मुश्किल लगता था कि मैं वायलिन बजा सकूंगी नहीं कि ये मुझे उंगलियां अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ वॉइस हाँ पहले तो बहुत दर्द होता था पर्पल हो जाती थी क्योंकि मैंने देखा ना जो गिटारिस्ट होते हैं खासतौर पर उनकी जो फिंगर टिप्स हैं बिल्कुल बहुत हार्ड हो जाती हैं मेरी तो फिलहाल हार्ड नहीं है लेकिन नहीं हो जाएंगी चलो कोई बात हां लेकिन वो क्योंकि अभी तो मैं छोटे से शुरू किया क्योंकि मैंने जब शुरू किया था कोई 8-10 साल पहले सीखना शुरू किया था तो वो मैं 6 महीने के बाद छोड़ दिया था मेरी बहुत उंगलियां जख्मी हो गई थी तो मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी इसलिए बहुत मुश्किल है बजाना लोगों को जिनको नहीं पता ना ये बहुत मुश्किल है इंस्ट्रूमेंट बजाना टफेस्ट कभी कभी फंस भी हो जाता था हां देखा अच्छा बता दो शरारतें क्लास में भी करती हो या बड़ी शरीफ चश्मा पहन के मासूम दिखने की कोशिश आज कामयाब हो जाती है क्लास के अंदर क्लास में बिल्कुल शरारतें नहीं होती बस घर में होती हैं जो होती हैं अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी मेरी 27 फरवरी 2010 अच्छा 27 फेब को पैदा है पाइसेस हैं आप छुपी छुपी शरारते हैं पाइसेस बड़े टैलेंटेड होते हैं वैसे हाँ। मैंने जितना सुना है अच्छा नॉर्मल हाँ। अच्छा लेकिन हम यहाँ ये करते हैं कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़ैनब सब कुछ और सुनूं ज़ैनब क्या आप हमें कुछ और सुना ज़ैनब भाई को खरी खरी सुना दो पुरानी हो गई है आप मुझे क्या कौन सी धुन सुनाने जा रही हैं अब मैं अगर आपको पेट्रियोटिक के अलावा कोई गाना सुना दूं लेकिन पाकिस्तानी हाँ पाकिस्तानी पता नहीं पाकिस्तानी है अभी या नहीं चलो आप प्ले करो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी है कि नहीं अच्छा तो वो छोटा सा पार्ट आता है ठीक है ठीक है ठीक Thank you.
हमारे टीचर्स को, तुमको, सबको, माय पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मुबारकबाद ऑब्वियसली, एंड थैंक यू सो मच आप सबका भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, और आपके उस्ताद का भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपका वायलेंस. ज़ैनब पापा हमें बहुत अच्छा लगा. हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको बहुत जल्द कहीं और भी बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े स्टेज पे देख रहे होंगे परफॉर्म करते वैसे ही. इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू सो मच ज़ैनब शहरयार, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. आपको अच्छा लगा हमसे मिलकर? छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हमारी सुपर स्टार बकरे पाकिस्तान ज़ैनब शहरयार, जिनकी फेसबुक और इंस्टा आईडी भी है, आप इनको सर्च करें और इनको फॉलो करें, और कल को इंशाल्लाह जब ये बहुत बड़ा स्टार बन जाएंगी पाकिस्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तब हम कहेंगे इसी बात पर.